जमुई में बिहार के 3 इनामी हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। बताया जा रहा है कि सभी नक्सलियों ने सोमवार को सरेंडर किया है, जो जिले के बरहट थाना क्षेत्र के चुरमारा स्थित CRPF 215 बटालियन कैंप में नक्सली संगठन के 3 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। सरेंडर करने वालों में नक्सलियों में पूर्वी बिहार, पूर्वोत्तर झारखंड सीमावर्ती इलाके के हार्डकोर नक्सली परवेश दा और अरविंद यादव गिरोह के 3 शीर्ष सदस्य शामिल हैं। जानकारी के अनुसार हार्डकोर नक्सली बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा और नागेश्वर कोड़ा ने पुलिस के समक्ष समर्पण किया है। बताते चले कि जिन नक्सलियों ने सरेंडर किया है वो काफी खतरनाक हैं। नक्सली बालेश्वर कोड़ा और अर्जुन कोड़ा के ऊपर 50,000 रुपये का इनाम तक रखा गया था, जबकि नागेश्वर कोड़ा पर पूरे 1,00,000 रुपये का इनाम था, जो कभी SP को भी उड़ा दिया था। इन 3 नक्सलियों के सरेंडर करने की बात सामने आई तो लोगों को पहले तो भरोसा नहीं हुआ। दरअसल ये तीनों नक्सलियों से आसपास का इलाका काफी डरता था, जो आए दिन किसी न किसी बड़े वारदात को अंजाम दिया करता था। वहीं इस मौके पर मुंगेर के DIG संजय कुमार ने बताया कि सभी नक्सली अब समाज की मुख्यधारा में आकर काम करेंगे, जिससे अपराध पर नियंत्रण करने में काफी मदद मिलेगी। समाज की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आज जो 3 नक्सली अर्जुन कोड़ा, नागेश्वर कोड़ा, बालेश्वर कोड़ा आत्मसमर्पण किए हैं, इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूं समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए। और इस पूरे अभियान में जो CRPF के पदाधिकारी हमारे CRPF के DIG साहब के नेतृत्व में काम किए हैं, मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप सबको विदित है कि विगत 6 महीने के अंदर CRPF का कैंप चुरमारा, पैसरा, भीम बांध में स्थापित हुआ और लगातार इन नक्सलियों पर नज़र रखी जा रही थी। इसके फलस्वरूप 2 महत्वपूर्ण इनकाउंटर भी हुए, एक लखीसराय जिले में हुआ, कुछ ही दिनों पहले पिछले सप्ताह जमुई में भी हुआ है, जिसमें महत्वपूर्ण नक्सली मारे गए हैं दोनों इनकाउंटर में। और लगातार दबिश पुलिस की, CRPF की संयुक्त कार्रवाई में बनी हुई थी, जिसके फलस्वरूप और कई सिविक एक्शन प्रोग्राम भी इस दौरान चलाए गए हैं, जिससे नक्सलियों को यह बात उनके परिवार वालों को हम लोग समझाने में सफल हुए हैं कि अब समय खत्म हो चुका है उनका, या तो आत्मसमर्पण करें नहीं तो पुलिस के गोली का शिकार हों, जिसका 2 महत्वपूर्ण इनकाउंटर इसका उदाहरण रहा है। और इन्हीं सभी का यह परिणाम है कि आज ये सभी नक्सली समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए हम लोगों के समक्ष उपस्थित हुए और आत्मसमर्पण किए हैं। उन लोगों का हम स्वागत करते हैं और जो सरकार की तरफ से जो भी उन लोगों को पुनर्वास नीति के तहत सुविधाएं मिलनी हैं, उसके लिए हम अग्रतर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद सर। जैसे पुलिस की दबिश माना जाए या उन लोगों का नक्सलवाद से मोह भंग पुलिस की दबिश भी है, उनका मोह भंग भी है, क्योंकि पुलिस की दबिश जब भी बढ़ती है तो उनका मोह भंग होगा ही, क्योंकि उनके रहने खाने छिपने का जितने भी हाइड आउट्स हैं उस पर पुलिस का कब्जा हो चुका है। और आगे भी हम लोग का प्रयास रहेगा, पूरा जो जमुई, मुंगेर और लखीसराय का जो जंगली क्षेत्र है उसको पूरी तरीके से हम लोग फ्लश आउट कर दें और उस पर हमारा पुलिस का दबदबा बना रहेगा और इसके लिए हम लोग सतत प्रयत्नशील। दशकों से इनका आतंक था, कितने जिलों में इनका प्रभाव था और कितने केसेस हैं अभी आप लोग को बता दिया गया है कि कितने केसेस इनके में है, डिटेल प्रेस ब्रीफ नोट आप लोग को मिल जाएगा। कई कांडों में लोग वांछित हैं और ये 3 जिले जो हैं इसमें जमुई, लखीसराय और मुंगेर, इन 3 जिलों में इन लोगों के विरुद्ध कांड अंकित हैं। सरकार के द्वारा कितना इनाम रखा गया था उसका डिटेल सभी बता दिया गया है, प्रेस ब्रीफ से मिल जाएगा। कुछ पर 50,000 रुपये का है, कुछ पर 1,00,000 रुपये का है। तो क्या लगता है आने वाले दिनों में जो और हार्डकोर नक्सली बचे हुए हम लोग को पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में अन्य हार्डकोर नक्सली भी समाज की मुख्यधारा में जुड़ने के लिए आएंगे। वहीं CRPF के DIG बीमल कुमार बिष्ट ने बताया कि हम लोग कई महीने से लगातार ऑपरेशन चला रहे थे और सभी नक्सलियों को समझा रहे थे कि समाज में आकर मुख्यधारा में काम करें और अपनी जिंदगी एक बेहतर तरीके से गुजारें, जिसका नतीजा है कि आज 3 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। मैं सबसे पहले तीनों जो हार्डकोर नक्सली हैं, बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा और नागेश्वर कोड़ा, उनका मुख्य धारा में तहे दिल से स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जैसे इन तीनों नक्सलियों ने हमारे सामने आज आत्मसमर्पण किया है, सरेंडर किया है, इनसे सीख लेकर जो बाकी नक्सली हैं, हमारे भटके हुए भाई हैं, वो भी जो उनकी गलतफहमियां हैं उनको अपने मन से दूर करेंगे और मुख्य धारा में वापस आएंगे। जैसा कि मैंने आपको फरवरी माह में चोरमारा और बरहट तथा अप्रैल में मुंगेर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया था कि इस साल हमने जो अपनी नक्सल विरोधी गतिविधियां हैं उनमें परिवर्तन किया है
और जो इनके मुख्य इलाके थे, जिनको इनकी हम मान कह सकते हैं नक्सलियों की, जहाँ पे कोई भी घटना घटित करने के बाद ये लोग पनाह लेते थे, वहाँ हमने अपने कैंप स्थापित कर दिए हैं, जिसमें मुख्यतः चोरमारा और पैसरा है, ताकि किसी भी घटना को अंजाम देने के बाद इनको छिपने के लिए कहीं भी जगह ना मिले। तो एक तरफ तो हमने फरवरी माह से लगातार इनके ऊपर अभियान चलाकर दबाव बनाए रखा है कि मुख्य धारा में आए। इसके साथ साथ हमने सिविक एक्शन प्रोग्राम किया है चोरमारा में खासकर, जिसमें हमने सभी चोरमारा के ग्रामीण वासियों, विशेषकर बालेश्वर कोड़ा, अर्जुन कोड़ा, इनके परिवार को आर्थिक और अन्य सहायता दी है। इनको हमने कपड़े दिए, सामान दिया, गाय दी हैं ताकि उसका दूध बेचकर ये अपना जीवन निर्वाहन कर सकें। इवन पिछले हफ्ते अर्जुन कोड़ा का जो बेटा है वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गया था, उसको हम जम्मू लाए, उसका इलाज कराया। तो इस तरह से हमने एक साइकोलॉजिकल वार भी, इन मनोवैज्ञानिक जो वार कहते हैं, वो भी इनके साथ करा है कि इनको प्रतीत हो कि हम इनके दुश्मन नहीं हैं, जो फोर्स है या वर्दीधारी हैं। वर्दीधारी भी सरकार का एक हिस्सा है, जिनका काम इनको दबाव में लाकर मुख्य धारा में लाना है। हमारा उद्देश्य इनको मारना नहीं है, पर मैंने पहले भी वार्न किया था, अब भी करता हूँ, कि इनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो मुख्य धारा में वापस आ जाएं, वरना इन्हें हमारे हाथों भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। तो क्या मान लिया जाए कि पुलिस दबिश के साथ साथ इनके परिवार वालों ने भी इन्हें? बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं है कि इनके परिवार ने बहुत बड़ा हमें इसमें सहयोग दिया है। ये उनका परिवार का हमारे साथ साथ जो दबाव था, जो परिवार वालों को समझ आया कि जब से हमारा कैंप वहाँ लगा है, पुलिस प्रशासन का सहयोग इनको मिलना शुरू हुआ है, तो इनको नक्सली ना देख करके पुलिस और जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, वो इनके घर वालों की देखभाल कर रहा है। तो उससे इनको बात में समझ आई है कि जो जिला प्रशासन है, पुलिस है, ये हमारे दुश्मन नहीं है, ये हमारे सहयोगी हैं, हमें इनके साथ रहना है, उसी में हमारी भलाई है। और हमें जो गुमराह किया गया गलत बातें बता के, वो झूठी बातें हैं। तो परिवार ने पूरा सहयोग दिया है, खासकर बालेश्वर और अर्जुन कोड़ा, उनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है इनके सरेंडर में। जमुई से बोलता बिहार की रिपोर्ट। इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी खबर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। धन्यवाद।